वेलकम बैक टू आवर चैनल कुमाऊनी दीवाज। आज कुमाऊनी दीवाज आपसे बात कर रही है अल्मोड़ा के शहर से। तो अभी गाइस हम लोग एक हफ्ता हो गया आज हमें उत्तराखंड आए हुए, लेकिन आज हम सोचा आज के दिन ब्लॉग शूट कर लेते हैं। काफ़ी दिन से चैनल पे कुछ नहीं जा रहा है, तो आज हम शूट कर रहे हैं ब्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए और शाम को हम अपने घर चले जाएंगे। हम जा रहे हैं मंदिर में, शिव जी जी का मंदिर है जो कि अल्मोड़ा के शहर में डोली डाना है ना, डोली डाना जो भी मंदिर है हमें पता नहीं है। वैसे देखो हम नए हैं तो अभी जाते हैं वहाँ पे, आपको दर्शन कराते हैं ठीक है। और ये देखो ये सब आ रहे हैं, नहीं यूँ कह रही है मेरी बात करा, मैं ऐसे किसी की बात नहीं कराती गाइस से। गाइस हम लोग बहुत सारे जने अभी बहुत थकान हो जाती है, शायद आप लोग पहचान जाओगे अगर किसी ने हमारे पिछले व्लॉग्स देखे। हम लोग पहले भी आए थे अल्मोड़ा शादी में भैया की, तो आप लोग वो व्लॉग भी देख लेना ज़रूर, तो आपको पता चलेगा। और अल्मोड़ा बहुत अच्छी जगह है ना गाइस। चलो भाई गाइस हम लोग निकल गए हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम जा रहे हैं डोली डाना मंदिर। और हम लोग यहीं पे आए थे लास्ट ईयर शादी में भी, बारात वगैरह निकली थी यहाँ से। गांव में ना यार यही प्रॉब्लम है कि चढ़ाई वढ़ाई चल करनी पड़ती है, तो नीचे से अभी हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर चल के मिलते हैं क्योंकि हालत ख़राब हो रही है अभी। गाइस ये जैसे इन्होंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा, इन्होंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा, हेलो गाइस ही बोला था आगे मम्मी फोन भी कहता है कि तुम व्लॉग शूट मत करो। मम्मी भी अपना चैनल बनाने की सोच रही है गाइस। ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन। आ गए हम ऊपर, यहाँ से ऊपर आते हैं, ये अल्मोड़ा है देख लो। और इस जगह का नाम है गाइस धारानोड़ा और इसको दुगाल खोला भी कहते हैं। हाँ अल्मोड़ा। हाँ और ये रहा जीतू रैपर, ये रैपर है गाइस। क्यों काटेगा, कह रहा इसको काट दूंगा क्योंकि आज हम इससे एडिटिंग कराने वाले हैं। तो आप ये हल्द्वानी रहता है, ये हमारे चाचा का बेटा है। हाँ ये देखो व्यू कितना सुंदर, ये देखो ये व्यू देखो, पहले ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है गाइस। तो गाइस अभी तो हम मेन रोड पे आ चुके हैं और हम लोग जैसे कि आपको पता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, सब देखते हुए जा रहे हैं। और मुझे तो जैसे कि आपको पता है मंदिर जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ एक चीज अभी बाद में ठीक है। तो इन लोगों ने छोड़ दिया ताई और ताऊ जी को अकेले पीछे, इतने पीछे और देखो इतने तेज तेज चल रहे हैं, देख नहीं रहे हैं क्यों। चलेंगे तो हम भी तो भाग जाएंगे ना। अब यार ये भी ठहरा। अभी हम अल्मोड़ा आए हैं ना, तो अल्मोड़ा के रोड पे हम जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि कभी कभार यहाँ पे आना होता है। और बस लास्ट ईयर आए थे, अब हम सेकंड बार आए हैं अल्मोड़ा क्योंकि हमें बहुत, जब हमने ना अल्मोड़ा के बारे में बहुत सुना था है ना जीतू, बहुत सुना था हमने अल्मोड़ा के बारे में, तो आज हम दोबारा आ गए, मतलब दोबारा पे अच्छा लगता है। और हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, आज हम चौथी बार आ रहे हैं अल्मोड़ा क्योंकि हम शादी में आए थे प्रवीणा की शादी में, तो उनके भाव हुए थे उनको देखने आए थे हम। हाँ उनको देखने आए थे। और पता है यहाँ पे गाड़ियाँ यार इतनी स्पीड में आती है और डर भी लगता है क्योंकि हम रोड पे चलते हैं ना, वहाँ से गाड़ियाँ आती है, इतना डर लगता है कि हम ही ना उड़ा दे। तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं, वैसे तो शिव जी का मंदिर है और हमारी ताई जी ने बोला है कि वहाँ पे जो है ना व्यू काफी अच्छा आता है, तो हम भी देखते हैं आपको भी दिखाएंगे कि कैसा व्यू है वहाँ का। चलो चलते हैं। यहाँ पे ये हाथ वाला ट्रैक्टर है, पर ये चलता कैसे वो नहीं पता हमें, हाथों से चलता है, इसमें ब्रेक वो नहीं होते, चलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा इसको ऐसे चलाना पड़ता है, मोटर तो होगी इसमें। गाइस अभी हम करबला पहुंच गए हैं और यहां से भी अभी 400-500 किलोमीटर सॉरी बस मीटर 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 अरे नहीं नहीं सिर्फ मीटर दूर है हम। देख कितना हंस रहा है, इतना हंस रहा है, बाप रे ऐसा तानी ने क्या बोल दिया। और दादी 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 यहां गाइस आप लोगों को पता है यहां पे ना बड़े भाई लोग होते हैं ना उनको दादी बोलते हैं, मतलब दादा दादी ऐसे बोलते हैं, दादा भी बोलते हैं ना, दादा हो गए दादी हो गए ऐसे बोलते हैं वो भाई लोगों को बोलते हैं, दादा दादी बोली उन्हें अम्मा बीबी बोलते हैं जो बड़े बोलते हैं, जब हमारे यूपी में दादा दादी बोलते हैं वो यहाँ पे अम्मा बीबी बोलते हैं, और जो भाई होते हैं बड़े उनको दादा दादी बोलते हैं। दादी बाल बांध ली हमने, बड़ी गर्मी होती है तो अपना। गाइस देखो यहाँ ये दोनों चल रहे हैं, मम्मी
गाइस हमें यहाँ पे हम आ तो गए, घर से निकल तो गए, लेकिन हमें रास्ता तो पता नहीं है, पूछ पूछ के जा रहे हैं। फाइनली हमें एक रोड मिली और लोगों ने भी वही बताया था कच्ची रोड आएगी, वहाँ पे जाना है। ये देखो कच्ची रोड आ गई गाइस, क्या आगे आपको दिख रही होगी ये वाली कच्ची रोड, यहाँ को जाना है हमें सीधा। और देखो व्यू तो सच्ची में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बहुत अच्छे लगते हैं हमें यहाँ पे। ये मैडम आ गई, चश्मा ले रही हो और दादी, ओ दादा कैसा तुम, ये पहाड़ी पहाड़ी वो आ रही है, अच्छी लगती है ना यहाँ का कल्चर बहुत। सर में तो ज्यादा हम लेके जाते हैं, कैसा दर्द आता है, हम तो रखे भी नहीं। ये देखो बंदर, देखो बंदर, ये देखो गाड़ी, ये देखो पेड़, ये मम्मी पापा, ये मैं। तो चलो गाइस हमें रोड मिल गई है कच्ची रोड, अब यहाँ पे चलते हैं सीधा। हाँ कच्ची रोड पे मंदिर की तरफ चलते हैं। तो गाइस देखो एक बंदर यहाँ, एक बंदर यहाँ, एक कैमरे के पीछे यहाँ, एक लंबूर कैमरे के पीछे यहाँ। गाइस ये देखो, अब बोलो क्या कह रही हो पापा, थक गए, बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए पापा, यूँ कह रही है। जो यहाँ चढ़ाई पे चढ़ गया वो जवान ही है, ठहरा है ना, ठहरा। और आई, तो तुम पापा को लेके क्यों आई हो, मना कर रहे थे ना हम पापा को लाने के लिए। मम्मी पापा के बिना नहीं हिलेंगी कहीं, और इन्हें इनका ऐसी है, बहुत ऐसी है, पापा चलते नहीं है कहीं। थोड़ा मैं पता सबसे ज्यादा कौन से पेड़ पाए जाते हैं, चीड़ के, ये पेड़ देखो सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, ये वाले नहीं, ये नहीं, ये वाले, हाँ चीड़ के ये वाले ना, पता है दाम भी होते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अच्छा गाइस हम आ गए यहाँ ऊपर की तरफ, ये देख लो इसे जोकर को कैसी लग रही है ये, और देखो सामान ढोने वाली, और आम और बाजू नहीं, ईजा बाजू, आम बाजू क्या दिया ये, क्यों मेरे ईजा बाजू छो, और ये थक गए छो, क्या होता है थक गए, करिए ये चूचू बोल तो ठोक रहा है, ये ईजा बाजू छो। गाइस यहाँ पे ना थक जाते हैं बहुत ज्यादा, और मम्मी की बात को माइंड मत करना, मैं नहीं लग रही वैसे। गाइस सच बोल रहे, पहली बार बोल रहे सच। गाइस चलो अभी चलते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, देखो रास्ता कितना प्यारा है। चलो तो फिर ऊपर चलते हैं, डोली डाना मंदिर का नाम है, सॉरी जगह का नाम है, और शायद मंदिर का नाम भी यही है। पहली बार जा रहे हैं वहाँ हम लोग, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा घर पे बैठे हुए खाली, तो घूम के आ जाते हैं, मंदिर के दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि जो घर है ना हमारा, वहाँ से मंदिर दिखता है, वो रहा देखो आपको दिखेगा, तो ध्वजा है ना, तो वही तो मंदिर है, उतार पहले अपना, चलो गाइस चलते हैं, वही मंदिर है गाइस, ये पागल है। चलो तो अभी आपको जो हमने चीड़ का पेड़ दिखाया था ना, उससे ये गिरता है, इनको बोलते हैं पीरू, और इनमें पता है पैर बहुत जल्दी फिसलते हैं, और पहाड़ में भी गिर जाते हैं, पहाड़ में ऊंचाई से अक्सर इससे ही गिरते हैं ज्यादातर लोग, ये गिर जाते ना एक बार, मजा आता है देखो। और यहाँ पे झाड़ू बनती है, हाँ इसे झाड़ू भी बनती है, इसी से झाड़ू, ये देखो इससे, हाँ घर में बहुत जल्दी आग लगती है इनमें। यहाँ पे सिर्फ हम ही नहीं है, लोग भी जा, जूता भी पड़ा था, ये देखो जूता पड़ा हुआ है, जी तू ले ले। अरे यहाँ तो चढ़ाई है, किसी ने हमसे बोला यहाँ चढ़ाई नहीं है, अब चढ़ाई हमें चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर, हम चढ़ाई चढ़ चढ़ के ना इतना थक चुके हैं हम, हाँ जैसे कि थोड़ा बहुत घूम रहे तो सोचा ये ब्लॉग निकाल देते हैं। ये मोटिवेट पता किसने करा, ये हमारे भाई ने कह रहा बनाओ की जय, ये कह रहा बनाओ, और थोड़ा बहुत हमें इंस्ट्रक्शन यही दे रहा है जी, तू पहाड़ी बोल के दिखा, चुप रहे, इसे पहाड़ी आती है, बोल नहीं रहा है, ये देसी छू, ये बिहारी छू, देखो एक पेड़ भी कर रखा है, ओ गाइस हम लोग आधा रास्ता हमने पार कर लिया है, बुढ़िया ये पेड़ कितना बड़ा गिर रखा है, गांव में ना गाइस इतने बड़े बड़े पेड़ होते, देखो पहाड़ों से भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं यहाँ पे, और ये जो मंदिर है ना, ये माता रानी का मंदिर है ना, शिव जी का मंदिर है वो, तो यहाँ तो माता रानी का झंडा लगा रखा है, चलो आओ फिर सब एक ही है, चलो एक पेड़ और ये गिर रखा है, ये गाइस लीसा है, ये गोंद है, ये गोंद है ना, और इसमें बहुत जल्दी आग लगती है, ये तेल है, ये तेल है ना, ये तारपीन का तेल, नाना ली चीड़ का तेल,
ये तेल भी है, ये गोंद जैसा भी है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है सारे यहाँ पे ना। आजकल पहाड़ को जलाया जा रहा है बहुत ज्यादा, पहाड़ों पे ना ये जो जला इसे जला देते हैं ये हाँ। बहुत हो जाते हैं जो, तो वही तो कह रही हूँ कि जला देते हैं ना, जल जाता है ना तो फिर घास उगती है, अगर इसे नहीं जलाएंगे ना तो फिर घास कहाँ से ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो इसे जलाना पड़ता है मतलब। जब देखो सारे पेड़ गिर रहे हैं गाइस, अभी हमने 2 मिनट का ब्रेक और लिया है बिकॉज हमें प्यास लग गई, हम पानी वानी पी रहे हैं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि थकान बहुत होती है यार। गाइज ये है ठीठ और ये मुझे इसने बताया पेड़ में से गिरते हैं। हाँ ये देखो ये तो ऊपर से गिरते हैं और इसके अंदर दाम निकालते हैं, इनमें लोगों ने निकाल के खा दिया, फेंक दिया इसको, खा लिया ऐसा ऐसा इसको ठीठ दाम, यहाँ तो वैसे बादाम कहते हैं। बात बात में फोटो खिंचाने लग जाते हैं। यहाँ पे पहुंच गए हैं, एक ये गई ये बाय बाय जाओ। थकान बहुत हो जाती है, ये देखो यार कितना सुंदर व्यू है। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, तबीयत खराब हो गई है यार, कोल्ड हल्का हल्का, रात में फीवर भी लग रहा था, एक टैबलेट खाई थी मैंने, वैसे तो फीवर तो नहीं लग रहा, कोल्ड है अभी भी। देखो यहाँ पे जय माता की लिखा है, जय माँ लिखा है बस, मतलब हिल रहा है कैमरा यार, यार देखो कैसे पत्थर है ना ये, इनमें चलना पड़ रहा है। हम तो स्लीपर में ही घर से आए हैं, यहाँ पे जय माँ लिखा है, दूर से लग रहा था जय श्री राम लिखा है। इस वहाँ से आते आते हम इधर को मुड़ गए, अभी थोड़ा जाना हमें उस तरफ है, बट ये देखो यहाँ का व्यू, ये देखो ये फोटो क्लिक कराने के लिए बैठा है यहाँ पे, वो अलग बात है इसकी कोई कर नहीं रहा। कितना सुंदर व्यू है, हमारी ताई जी ने बोला था कि यहाँ पे व्यू काफी अच्छा है। और देखो वाह, रील्स भी हम यहाँ पे बहुत बनाएंगे, मतलब बहुत क्या बनाएंगे, पापा बनाने तो देते नहीं है बट बना ही लेंगे। अभी हम वहां से थोड़ा सा और ऊपर की साइड आए हैं और ये देखो यहाँ पे पत्थर इतने बड़े बड़े, इसको पहाड़ी में क्या कहते हैं पत्थरों को, चुप तुझे पता है, ये जान के नहीं बोल रहा कैमरे के आगे, ये देखो ये शर्मा रहा है कैमरे के आगे, है ना कैमरा शाय है। हाँ तो कैमरा शाय है, यहाँ हर पत्थर में माँ माँ लिख रखा है, यहाँ की मान्यता बहुत है ना, इसलिए ये देखो माँ लिख रखा है, जहो माता रानी। और ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है यार, ये देखो मम्मी पापा को कह रही कमर पे हाथ रखो, पापा कह रहे लेडीज हो क्या। आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, देखो ये मंदिर का स्थान है ठीक है, यहाँ पे मंदिर वगैरह है, लेकिन लोगों ने ना यहाँ पे इतनी गंदगी भी फैला रखी है, मतलब मैं आपको सीन नहीं दिखा सकती, वहाँ कोने में है उस तरफ है, उस साइड है, कचरा फैला रखा है बहुत ज्यादा, मतलब खाया पिया वहाँ फेंक दिया है, कुछ भी चीज बॉटल पानी पिया वहाँ फेंक दिया यार। देखो रोड पे तो करते ही हो ठीक है, अब कितना भी मना कर लो कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, लेकिन प्लीज प्लीज अगर आप यहाँ मंदिर में कहीं भी मंदिर में जाते हो, मंदिर के स्थान पे जाते हो, तो प्लीज ऐसी गंदगी मत फैलाओ यार, है ना। देखो अगर हम अपने हम दूसरों को रोकने से अच्छा अपने आप को रोकेंगे ना, सारे लोग अपने आप को रोको, सब सफाई होगी, कोई गंदगी कहीं नहीं फैलेगी। दूसरों को बोलने से अच्छा अपने आप को बोलो पहले, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि मंदिर की तरफ मंदिर के स्थान पर गंदगी मत फैलाओ प्लीज। देखो ये अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा ही है और उस तरफ तो बहुत ज्यादा गंदगी थी, तो ये आज का ज्ञान था, बोर मत होना प्लीज, लेकिन प्लीज चलो चलते आगे। गाइस देखो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, आपको मंदिर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर है मंदिर, मतलब यहाँ गाइस यहाँ से अब ये स्टेयर्स स्टार्ट हो गई है, अब ऊपर जा रहे हैं हम, जय हो। गाइस ये देखो क्या कर रहे हैं अभी तक, आ जाओ यार, ये आ रहे हैं, जय माता दी, जय मेरा मंदिर, ये पूरे 100 सीढ़ियां हैं।
हमने देखो यहाँ पे स्लीपर वगैरह उतार दिया और वहां से देखो कितना लंबा हम रास्ता क्रॉस करके आए हैं, मतलब सीढ़ियां तो ये थी और वहां पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं हम चलते चलते चलते। आड़ू होते हैं हमारे घर, ये गांव में ना आड़ू के पेड़ होते हैं और यहाँ ठंडा ठंडा भी पानी है। फाइनली 3 घंटे की चढ़ाई करके हम लोग यहाँ मंदिर में पहुंच गए हैं। बैठ के थोड़ा पानी वानी पिया हम लोग ने, ये देख लो इसे घंटी बजा रहा है। पानी वानी पी के हम लोग निकल रहे हैं, अब ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा सा बच रहा है बस, चलो ऊपर चलते हैं। देखो दो नमूने। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ से एंटर होके ये मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे बैठने का है, यहाँ से सीधा जाना है आपको, वहाँ पे आप हाथ धो सकते हो। और ये देखो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लग रहे हैं, और ये हमारे यहाँ पे आड़ू का पेड़ है, आड़ू है पता नहीं नाशपाती है, अभी कंफर्म करके बताती हूँ। यहाँ पे आप हाथ पैर धो सकते हो। गाइज हम लोग ने वहाँ पे दर्शन तो कर लिए हैं, बट क्या है ना वहाँ पे अलाउड नहीं है कैमरा वगैरह। देखो हर मंदिर का रूल होता है कि अलाउड नहीं होता, पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं परिक्रमा। अच्छा तो यहाँ पे बोल रहे थे शिवजी जी का भी है, तो वो यहाँ है, वो जय हो भोले भंडारी की। भैरव बाबा के जी का भी मंदिर है यहाँ पे, भैरव बाबा जी का भी मंदिर है, तो आगे बढ़ते हैं इनके भी दर्शन करते हैं। गाइस देखो यहाँ पे छोटे से लड्डू गोपाल बैठा रखे हैं। जय हो। तो हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं। देखो यहाँ पे ना आप लोग चुन्नी वगैरह भी बांध सकते हो, जिसकी भी मनोकामना होती है वो यहाँ पे बांध जाए, और मनोकामना पूरी होने के बाद उसको खोलना जरूरी होता है। और देखो यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे हमने दर्शन करे थे, अंदर अलाउड नहीं था कैमरा। अभी थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अभी उस तरफ जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या चीज है। वैसे तो अच्छा लग रहा है काफी। कृपया शांति बनाए रखें, और ये शांति बनाने वाले तो आए ही लोग। फाइनली हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, मतलब अभी तो अल्मोड़ा ही जा रहे हैं अपने भैया के यहाँ, फिर शाम को निकलेंगे हम अपने मोदी नगर रवाना हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ से उतरते हैं पहले, फिर जैसे भी अपडेट होती है आपको बताते हैं। गाइस वापसी, हम इन्हीं सीढ़ियों पे आ गए हैं उतरने के लिए, और शीतल की ना एक भी फोटो अच्छी नहीं आई है, तो जल्दी आगे भाग रही है वो। जा यहाँ पे ना गिरने का बहुत डर है यार। सी कितना प्यारा व्यू है, फिर से आपको व्यू दिखा रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है काफी व्यू दिखाना। हमने वो वाला कच्ची रोड जो थी वो पार कर दी है, अब हम लोग पक्की रोड पे आ गए हैं, और यहाँ से हम निकलते हैं। आबादी क्षेत्र है, कृपया धीरे चले। क्रिसमस ट्री है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और हम लोग यहीं पे आए थे लास्ट ईयर शादी में भी, बारात वगैरह निकली थी यहाँ से। अच्छा तो मैंने भी तो ये बताया था, नहीं मैं ये नहीं बता रही थी। तो हम यहाँ पे आए थे, और तो यह हम नीचे को जाके हमारे मामा भैया का घर है, नाम है गाइस ये देखो पीरू, यही है ना, अरे पीरू निकल गया है।